रूस यूक्रेन जंग को एक साल पूरा हो चुका है, लेकिन पुतिन और ज़ेलेंस्की दोनों में से कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। दुनिया के कई देशों ने इस जंग को रोकने का आह्वान भी किया है और उन्हीं देशों में से एक है भारत। भारत ने मानवीय सहायता प्रदान की है और यूक्रेन के खिलाफ रूस के युद्ध को तत्काल समाप्त करने का आह्वान भी किया है। लेकिन अब इस युद्ध से भारत पर बड़ा संकट आ सकता है। रूस यूक्रेन युद्ध में कई देश किसी न किसी तरह शामिल है और उन्हीं देशों में से एक चालबाज देश है चीन, जो इस समय जंग में रूस के साथ खड़ा है। चीन भारत के खिलाफ अपनी नापाक हरकतों का प्रदर्शन करता रहता है, लेकिन भारत ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया है। लेकिन अब ऐसी खबर सामने आई है जो भारत के लिए एक बड़ी टेंशन साबित हो सकती है। अमेरिकी पूर्व रक्षा सचिव ने दावा किया है कि रूस यूक्रेन युद्ध से LAC के पार चीन की घुसपैठ को बढ़ावा मिल सकता है। अमेरिका के रक्षा सचिव ने इस पर चिंता जाहिर करते हुए कहा है कि चीन के इस युद्ध पर कड़ी नजर है, इसलिए चीन ने रूस को कई तरीके से मदद भी दी है। अगर यूक्रेन पर रूस का हमला सफल हुआ और रूस को जीत मिली तो उसके बाद ड्रैगन को LAC पर हमला करने का मौका मिलेगा। इस कार्यक्रम में CDS अनिल चौहान भी मौजूद थे। But what you see here is the Western aid coming in to the valiant Ukrainian people, giving them the means to rebuff them. And not just rebuff them, but to throw them out of the country after penetrating dozens of kilometers inside. And as you look at this, we're reminded of one of the lessons of history that were mentioned by the earlier speaker up here. That is, nations with allies thrive. Nations without allies wither, and you are watching Russia wither before our very eyes. The Western nations can continue to provide this aid so long as the will of the people, because we are democracies, our governments follow the will of the people, so long as that holds, we can continue to do this. But remember that it was the human factors that threw the Russians back initially. The valiant Ukrainian fighters, with the support of their society. दरअसल जिम मैटिस ने सवाल किया था कि क्या चीन का सामना करने के लिए अमेरिका तैयार है। उसके जवाब में उन्होंने कहा कि इसमें कोई दोराय नहीं है कि चीन तैयार है। उन्होंने आगे कहा कि अमेरिका रूस के खिलाफ यूक्रेन की मदद जारी रखेगा। रक्षा सचिव ने कहा कि रूस को 3 सप्ताह के युद्ध में यूक्रेन पर जीत हासिल करनी चाहिए थी, लेकिन पश्चिमी वित्त पोषण रूस को अपने क्षेत्र से बाहर धकेलने के लिए यूक्रेन को हथियार देकर मदद कर रहा है। मैटिस ने कहा, इसलिए हम रूस को मुरझाते हुए देख रहे हैं। उन्होंने आगे कह दिया कि चीन करीब से देख रहा है कि अगर रूस यूक्रेन पर अपने आक्रमण में सफल होता है तो वो भारत पर आक्रमण कर सकता है। ये चेतावनी भारत को सावधान करने वाली है, जिसके लिए भारत को तैयार भी रहना चाहिए, जिससे चीन की नापाक हरकतों का जवाब दिया जा सके। इसके बाद जिम मैटिस ने भारत की जमकर तारीफ करते हुए कहा कि एक मजबूत भारत दुनिया भर में शांति ला सकता है। ऑस्ट्रेलियाई जनरल ने कहा कि रूस यूक्रेन युद्ध अवैध है और ये शांति की संप्रभुता का उल्लंघन है। कार्यक्रम के दौरान भारतीय सेना के CDS जनरल अनिल चौहान ने कहा कि लड़ाई से कई सीख मिलती है, सभी पूरी दुनिया पर लागू नहीं होती है, लेकिन हमें ये देखना है कि भारतीय परिपेक्ष में इसका क्या असर है। इस लड़ाई की सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें आत्मनिर्भर होना पड़ेगा, भविष्य की लड़ाइयाँ छोटी होंगी। इस खबर पर आप भी हमारे साथ अपनी राय जरूर साझा करें। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहें TV9 डिजिटल।